पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, आतंकवादियों ने रची थी धमाके की बड़ी साजिश। जम्मू में बस स्टैंड के पास से 7 किलो विस्फोटक बरामद। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी वीर सपूतों की कुर्बानी को किया याद। गृहमंत्री अमित शाह ने भी दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने भी किया शहीदों को नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में अर्जुन टैंक से दी गई सलामी। पीएम ने देश को सौंपा अर्जुन बैटल टैंक MK-1A का पूरा जत्था। DRDO ने विकसित किया है अर्जुन टैंक का नया वर्जन। करीब 8400 करोड़ रुपए है इसकी लागत। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ा भारत। पीएम मोदी ने चेन्नई में मेट्रो रेल फेज 1 परियोजना के एक्सटेंशन का किया उद्घाटन। मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के जवाब में टीएमसी की बस यात्रा। अभिषेक बनर्जी ने सोनारपुर रैली में दिदीर दूत बस को रवाना किया। उत्तराखंड के तपोवन में हादसे के 8वें दिन रेस्क्यू मिशन जारी। टूट रही है जिंदगी की उम्मीद। आज निकाले गए 7 शव। तपोवन में 5 शव टनल से और 2 दूसरी जगह से निकाले गए। अभी भी 35 लोगों के फंसे होने की आशंका। किसान आंदोलन का आज 81वां दिन। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे टिकैत का ऐलान। 18 फरवरी को रेल रोकेंगे देश के किसान। दिल्ली में रिंकू शर्मा की मौत और जय श्रीराम के नारे पर सूरत में बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। जय श्रीराम का नारा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगेगा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,194 नए मामले। 92 मरीजों की मौत। अब तक 82,83,000 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन।